खीर का मोटिया बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गेहूं का आटा लिया है। ये मोटा आटा है, आप बारीक भी ले सकते हैं। आधा कटोरी सूजी, अदरक लहसुन और हरी मिर्च इस तरह दर दरा कूट दिया मैंने। अभी हम ये डालेंगे बथुआ, इसको छील भी बोलते हैं। इसको मैंने धो के बारीक कटिंग किया है। ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत ही पौष्टिक सब्जी है। एक चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, आधी चम्मच जीरा, नमक स्वाद के अनुसार डालें, आधा नींबू, एक बड़ा चम्मच ऑयल। अब इन सारे मसालों को मिक्स करना है। इसको हाथ से प्रेस करते हुए इसको दबा के अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो जाए तब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें आटा लगाना है। आटा ज़्यादा गीला भी नहीं करना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, देखिए इस तरह का। और इसको हम ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए रख देते हैं, तब तक हमारा आटा सेट हो जाएगा। देखिए 5 मिनट हो गया है। अभी हम छोटी छोटी लोई लेंगे और उसको मुठिए के आकार में इसको बनाना है। हाथ में घी या ऑयल लगा के बना सकते हैं ताकि चिपकेगा नहीं। और एक साइड में हमने पानी भी गर्म रख दिया है, देखिए पानी बॉईल हो चुका है। हम इसको पकाएंगे, हमको स्लो आंच में ही पकाना है इसको। इसको टेढ़ा मेढ़ा रखना है, सबको एक साथ नहीं रखना है, नहीं तो अंदर से थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। देखिए हमारे मोटे पक गए हैं, इसको हम स्लाइस में कटिंग करेंगे। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने 2 चम्मच तेल लिया है। अभी 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच राई। जब ये झटकने लग जाए तब हम इसमें डालेंगे मोटिया। सारा मोटिया ऐड करके हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हींग। हींग मैंने दोनों टाइम डाला, आटे में भी डाला, इसमें भी डाला है, ताकि हमारी खुशबू अच्छी आए। नमक, नमक स्वाद के अनुसार डालना है। और अभी हम सबको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स होने के बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया और थोड़ा सा तिल डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। हम इसको कढ़ी के साथ गरम गरम सर्व कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, पौष्टिक और स्वादिष्ट मुठिया बनाएं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक।